तो हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने मिल सकते हैं, उसके बारे में आज वीडियो में बात करेंगे। हमारे यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो देखेंगे, पहले हमको ये स्टॉक यहाँ पर लगातार अप्रैल से लगातार अप ट्रेंड में देखने मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर हाइवर पैटर्न यहाँ पर देखने मिल रहा था। फिर यहाँ पर आकर स्टॉक ने अपना एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से भी हमको स्टॉक में लगातार गिरावट देखने मिल रही है। यहाँ से हमको स्टॉक में लगातार लोअर वाले पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.54% की यहाँ पर तेज़ी देखने मिल रही है। यहाँ से हम स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से अब और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 2.2 का लेवल यहाँ से ऐसा नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट काम करेगा। अगर स्टॉक इसको यहाँ ब्रेक करेगा तो इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने मिल जाएगी। अगर स्टॉक इसको यहाँ ब्रेक करेगा तो इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 271, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 250, और अगर स्टॉक इसको यहाँ ब्रेक करेगा तो फिर हमको यहाँ पर स्टॉक में 237 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे से नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। भाई यहाँ से अब अगर स्टॉक में तेज़ी आती है तो भाई यहाँ से अब तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 295 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है तो हमको यहाँ पर स्टॉक में 325, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 345, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी ब्रेक करेगा तो हमको यहाँ पर स्टॉक में 370 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस। फिलहाल तो हमको यहाँ पे स्टॉक में इन सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाइसल होल्डिंग्स वाला नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।